हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, एफएम स्ट्रेसेस, एफएम कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी ताई जी। स्ट्रेसेस अर्जेंट नीड फॉर रिलायबल क्रॉप यील्ड एस्टिमेट्स। तो क्या है, चलिए देखते हैं। फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन ट्यूजडे मेड ए स्ट्रॉन्ग पिच फॉर जनरेटिंग रियल टाइम असेसमेंट ऑफ लाइकली यील्ड्स फॉर ऑल एसेंशियल क्रॉप्स स्टार्टिंग विथ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स दैट इंडिया ऑफन टेंड टू इम्पोर्ट, स्ट्रेसिंग दैट कंट्रीज सफर्स फॉर वॉन्ट ऑफ सच रिलायबल फार्म आउटपुट एस्टिमेट्स। तो ये कह रही हैं कि जो जो चीज़ें हैं ये इंडिया इम्पोर्ट करता है उसका फार्म यील्ड हमें क्रॉप यील्ड का मतलब होता है 1 हेक्टेयर लैंड में आप कितना उगा पा रहे हैं उसको, अपना बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करके। तो वही चीज़ है कि उसको जो आप इम्पोर्ट करते हैं, चाहे वो ऑयल सीड्स हो गए आपके, चाहे वो पल्सेस हो गए, उसका इनको अब डेटा चाहिए। तो ठीक है, हो सकता है कोई अच्छी बात हो रही हो। ऑटोमेटेड सिस्टम, वी कैन एस्टिमेट दी एक्सटेंट ऑफ लैंड विच इज़ गेटिंग कवर्ड अंडर वीट, बट डू वी नो वॉट विल बी आउटपुट। हमें ये तो पता है कि जैसे कितना परसेंट ऑफ लैंड पे गेहूँ उग रहा है, पर क्या हमें उसका आउटपुट पता है कि हम उसको एस्टिमेट कर पा रहे हैं। डू वी हैव अ रियल टाइम असेसमेंट एस्टिमेट ऑफ द क्रॉप, रियल टाइम असेसमेंट है। मिसेस सीतारमन नोटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ न्यू ऑटोमेटेड रियल टाइम यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम कॉल्ड यस टेक। देखिए, यहाँ पर ये नया सिस्टम आया है यस टेक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुट इन प्लेस फ्रॉम दिस खरीफ सीजन और द वीट एंड राइस क्रॉप। तो आप देखिए, ये बताएगा आपका रियल टाइम यील्ड एस्टिमेट क्या है। यस टेक, ये जो टेक्नोलॉजी आई है उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये हमें इतने देर से बता रहे थे। द सिस्टम क्रिएटेड विथ असिस्टेंट फ्रॉम इसरो एंड ICAR मस्ट बी रैम्प्ड अप टू कवर अदर क्रॉप्स एज सुन एज पॉसिबल। तो अभी तो सिर्फ इसमें खारिफ सीजन के ये आपकी ये वीट और राइस क्रॉप है, बोल रहे हैं इसको तुरंत से तुरंत और भी क्रॉप्स के लिए आगे एक्सटेंड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को, पर्टिकुलरली पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, क्योंकि ये हमारे इम्पोर्ट्स होते हैं तो ये पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। इसलिए डेट विल हेल्प द इकॉनमी मच बेटर। देखिए जो मैंने बोला था, सो दैट वी कैन प्लान आवर इम्पोर्ट्स इफ यू स्टिल नीड, इंश्योर दैट द फार्मर डजेंट सफर बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फार्मर, जैसे कई बार होते हैं फार्मर ने उगा तो दिया पर हमारे पास एस्टिमेट नहीं है और हमने इम्पोर्ट भी करवा लिया, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फार्मर होगा वो सफ़र करेगा। इसलिए ये हमारे पास एस्टिमेट होना चाहिए कि कितने ऑयल्स और पल्सेस ग्रो होंगे, उसका क्या क्रॉप यील्ड होगा। आई वॉन्ट जरूरत नहीं है टू नो हाउ मच विल वी हैव टू गिव फॉर फार्मर्स टॉयल इन टर्म ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इन टर्म ऑफ प्रोक्योरमेंट और हाउ मच क्वांटिटी वी नीड फॉर बफर। तो यहाँ पे इनको अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर मानिए किसी चीज़ का रखना है या बफर डिसाइड करना है, बफर स्टॉक भी गवर्नमेंट अपना मेंटेन करके रखता है कि चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, अचानक से प्राइस राइज ना हो जाए, इसलिए तो बफर स्टॉक और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए फार्मर को सपोर्ट करने के लिए ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, यस टेक। स्क्रैम्बल समटाइम्स, दिस कंट्री हैज़ बिन इम्पोर्टिंग पल्सेस एंड वी स्क्रैम्बल समटाइम्स व्हेन द शॉर्टेज कम बिफोर अस लेट इन द डे। इफ ओनली वी हैव अ रियल टाइम असेसमेंट ऑफ वीट ऑफ वॉट इज द एक्सटेंट गेटिंग सोड इवन एट द टाइम एंड एस्टिमेट ऑफ लाइकली आउटपुट, वी विल बी मच बेटर प्लेस टू प्लान इन एडवांस दैट इफ देर इज गोइंग टू बी शॉर्टफॉल। तो यहाँ पे साफ सिंपल सी बात इन्होंने ये बताया कि हमें ये तो पता रहता है कि हम कब उगा रहे हैं और कितना उगा रहे हैं, पर उसका अगर हमें आउटपुट पता रहेगा तो जैसे कभी कभी होता है कि कमी हो जाती है तो हम उस समय हैफ़ेज़र्ड मैनर में इम्पोर्ट कर लेते, तो शायद प्राइजेस हाई भी रहते तो हमें मानना पड़ता है, तो हम उसको बहुत प्लान करके इम्पोर्ट करेंगे। अगर हमें पता रहे कि हाँ भाई चलो कमी होने वाली है तो पहले से प्लान करके इम्पोर्ट करेंगे। वी नो वेयर टू गेट पल्सेस फ्रॉम, शी सेड, नथिंग दैट डिफरेंट कंट्रीज सच एज कनाडा, म्यांमार एंड अफ्रीका, अफ्रीकन नेशन नीड टू बी टैप्ड फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पल्सेस। ठीक है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपका जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात हो रही है, क्योंकि हम एडिबल ऑयल को इम्पोर्ट करना नहीं चाहते हैं, DH11 जिसको बोला जाता है। वी नीड टू बिकम सेल्फ सफिशियंट
she said, adding the relying on import every year was not ideal. The farmer need to get a clear identification when they sowed their crops. We cannot bring down the price of the farmer for his produce in the last minute after he sows his crop and is about to harvest. तो आखिरी टाइम पे ये चीज़ें नहीं होंगी कि मतलब जब सब जब एंड मोमेंट हो तब हम लोग MSP डिसाइड करेंगे तो वो फार्मर्स के लिए हार्मफुल रहेगा. यहाँ पे ये बात बोली जा रही है. जस्ट बिकॉज एट अ टाइम वी गेट एन असेसमेंट ऑफ अ शॉर्टफॉल एंड वी नीड टू गेट इट इम्पोर्टेड. तो इम्पोर्ट करने के लिए भी ये सही टाइम नहीं है. The moment the word import comes in, the first thing which happens is price that the farmer has to sell his produce crashes. तो अगर import का जैसे ही बात होता है वैसे ही farmer जो price पे बेच रहा होता है वो crash हो जाता है. क्योंकि आप 2 मिनट समझो, आज किसी चीज़ का shortage है, ठीक है, market में. आज किसी चीज़ का shortage है market में, और farmer जब बेच रहा है तो demand ज़्यादा है तो उसके price high है. और अगर मानिए अचानक से पता चल जाए कि इम्पोर्ट होने वाला है तो कोई खरीदेगा सही प्राइस पे, क्योंकि पता है भाई अभी सप्लाई आने वाला है, सप्लाई आएगा तो प्राइजेस कम होंगे. तो इससे जो फार्मर को फ़ायदा होना था आप देखिए वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा. इस पैरा में यही बात बोली जा रही है. मिसेस सीतारमन एक्सप्लेन एडिंग रियल टाइम एस्टिमेट्स वुड हेल्प अवॉइड सच अनप्लीजेंट इनएविटेबिलिटी. इनएविटेबिलिटी जिसको चेंज ना किया जा सके. तो ये सीतारमन जी बोल रही है फार्मर के बारे में सोच सोच कर. अब देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट. सबसे पहले MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. सेकंड आपके लिए ये स्टैक, ये जो ये स्टैक है ये सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए न्यू ऑटोमेटेड रियल टाइम यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम है. तो ये हमारे लिए अभी तो खरीफ वीट राइस के लिए अवेलेबल है, आगे हमें पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए करना है. एक छोटा चीज, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल. तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल का इम्पोर्टर है, ठीक है, ये हमारे लिए एक फैक्ट हो जाता है. दूसरा मैं इससे जुड़ा एक पॉइंट बता रहा हूँ. आप डीएमएच 11 दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, इसका अप्रूवल रिसेंटली आया है. इसके बारे में आपको फिर जानना होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा इम्पोर्ट कम हो. और फार्मर कैसे परेशान होते हैं इस पैरा में मैंने आपको समझा दिया. कैसे इम्पोर्ट की न्यूज़ आते ही जो फार्मर के प्राइस चल रहे होते हैं वो तुरंत ख़त्म हो जाते हैं. तो बस इतनी चीज़ें इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी. आप भी अपने फार्मर भाई बहनों के लिए कुछ ऐसा करिए, ऐसा कोई नया टेक्नोलॉजी लाइए या सिस्टम में घुस के ऐसा काम करिए कि उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड हो सके. सो प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.